आयशा ये साली जिंदगी, जिस्म टू, मैं तेरा हीरो, बुद्धा इन अ ट्रैफिक जाम, मोहनजोदारो और ब्लैकमेल जैसी बड़ी फिल्मों में दमदार एक्टिंग करने वाले एक्टर अरुण उदय सिंह आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक्ट्रेस के इस खास दिन पर हम लाए हैं आपके लिए उनसे जुड़ी ऐसी जानकारी जो शायद आपको मालूम ना हो। 2009 में फिल्म सिकंदर से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले एक्टर अरुण उदय सिंह की दिलचस्पी हमेशा से ही ग्लैमर वर्ल्ड में थी। कहा जाता है कि उन्होंने बहुत कम उम्र में ये सोच लिया था कि वो फिल्मी दुनिया में ही अपना करियर बनाएंगे। न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी में कोर्स करने के बाद उन्होंने प्ले में भाग लेना शुरू कर दिया और कई बॉलीवुड फिल्मों के लिए ऑडिशन भी देने लगे थे। दोस्तों, अरुणोदय पॉलिटिकल परिवार से ताल्लुक रखते हैं। शायद आपको मालूम ना हो कि अरुणोदय सिंह के पिता अजय सिंह मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं। इतना ही नहीं, एक्टर भारतीय राजनेता अर्जुन सिंह के पोते हैं। अर्जुन सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कहते हैं कि अरुणोदय की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो जो भी फिल्में या प्रोजेक्ट करते हैं वो दमदार स्क्रिप्ट चुनकर ही करते हैं। जिस्म टू, मोहनजोदारो, अपहरण, लाहौर कॉन्फिडेंशियल उनके कुछ प्रोजेक्ट्स में से एक रही हैं। निजी जिंदगी की बात करें तो अरुणोदय सिंह ने 13 दिसंबर 2016 को कैनेडियन मूल की ली एल्टन के साथ शादी के सात फेरे लिए। अभिनेता और ली एल्टन की मुलाकात शादी के 3 साल पहले गोवा में हुई थी। अरुणोदय सिंह और ली एल्टन शादी से पहले लंबे समय तक लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। हालांकि उनकी शादी 2.5 साल ही चल पाई। इसके बाद दोनों ने अलग होने का फैसला ले लिया। वैसे दोस्तों, ये कहना गलत नहीं होगा कि अरुणोदय सिंह एक उम्दा कलाकार होने के बाद भी कहीं ना कहीं अंडररेटेड रहे हैं। इतनी शानदार एक्टिंग करने के बावजूद भी इंडस्ट्री में उन्हें वो पहचान नहीं मिल पाई जिसके वो हकदार हैं। बड़े बड़े रोल्स को जब बड़े बड़े कलाकार निभाते हैं तो उन पर नजर पड़ना लाजमी है, लेकिन छोटी छोटी भूमिकाओं से समा बांध पाना ये कोई छटा हुआ कलाकार ही कर सकता है, जो कि हर रोल में जान फूंक कर अरुणोदय सिंह ने कर दिया।